अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो हमारे पास एक सोनी का टीवी है जी, इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त ये इसकी आवाज़ आ जाती है और पिक्चर इसमें नहीं आती, तस्वीर नहीं आई। ये ऑडियो वीडियो आप नज़र आ रहा है, लिखाई वगैरह इसकी आ जाती है, वॉल्यूम वगैरह या इसके ब्राइट कंट्रास्ट भी आप देख लें, फॉल करने लगा हूँ, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इसकी पिक्चर नहीं आती, आवाज़ आती रहती है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जी। अब मैं इसको खोलने लगा, ये अब मैंने इसको ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी आ जाती है, सिर्फ इसमें पिक्चर नहीं आती, डिस्प्ले आती रहती है, आवाज़ अप डाउन, बाकी सारा सिस्टम वर्क करता है। सिर्फ इसमें ये इसके हीटर के लिए ये वायर भी इन्होंने लगाई है ताकि हीटर इसका दोबारा छोड़ ना जाए, लाइट भी ख़त्म करे। अब हम इसको चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। अब मैं आपके इसके बेस के वोल्ट चेक कराता हूँ। ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये इसका हीटर है, ये ग्राउंड है, ये इसका 200 वोल्ट, ये इसका 1000 वोल्ट। ठीक है जी, ये अब मैं आपको मीटर पर चेक कराता हूँ ये वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये इसके वोल्ट आ रहे हैं 186 वोल्ट। ठीक है जी, ये इसके गन्नों पर वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये इसके वोल्ट आ रहे हैं जी, ये इसके वोल्ट आ रहे हैं जी 184 वोल्ट इस गन पर, और ये साथ वाली गन पर भी आ रहे हैं, ये उसके साथ वाली गन पर भी वोल्ट आ रहे हैं, तीनों पर बराबर आ रहे हैं। और ये अब हम इसके जो ये जंगल से जो बेस आती है ना, ये बेस के वोल्ट जंगल से, ठीक है, ये वायर, इस वायर के आप वोल्ट चेक करते हैं क्या ये हमारे इस पर वोल्ट आ रहे हैं, कि ये जो इसने एक दो वोल्ट देने होते हैं, ये इसके वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये आप देख लें इस पर, दूसरी बार रेड पर भी नहीं आ रहे, ग्रीन पर भी नहीं आ रहे, अब ये ब्लू पर भी नहीं आ रहे। ठीक है, ये इसके वोल्ट इस पर नहीं आ रहे, इसलिए ये इसकी लाइट नहीं आ रही। ठीक है जी, दूसरे नंबर इसकी ये वाली अगर वीआर ख़राब हो जाए, ये इसकी, ये तब भी ऐसे ही हरकत करते हैं, उस वक्त भी ये नहीं आती इस पर वोल्ट। ये इसके जो स्क्रीन वोल्ट वाली वीआर है। ठीक है जी, अब मैं चेक कराता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ये वीआर को एडजस्ट किया, आगे पीछे हिलाया। ठीक है जी, अब ये इसके वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस पिन पर, ये वोल्ट आप देख लें 3.9 आ रहे हैं। ये रेड गन पर भी आ रहे हैं वोल्ट। ठीक है जी, ये ग्रीन पर भी आ रहे हैं, ये ब्लू पर भी आ रहे हैं। ठीक है जी, ये फॉल्ट इस वीआर का है जी, ये वीआर होती है 2.2 मेगा की। ठीक है जी, 225 एम। ठीक है जी, अब हम इसके मुतबादल या तो वीआर लगाएंगे, अगर वीआर ना हो तो हम इसके मुतबादल रिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वो अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ वो कैसे लगानी है। अगर इसमें आप रिस्टेंस लगा देंगे कि उसका ये फ़ायदा होगा, ये दोबारा मुश्किल हमेशा के लिए ये फॉल्ट नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये अक्सर वीआर ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, इनका वीआर एडजस्टमेंट के लिए लगाई जाती है ताकि हमें जहाँ पे रिज़ल्ट बेहतर मिले वहाँ पर डाक दें, लेकिन जब हम इसको रिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि ट्यूब इसका ठीक है, ट्यूब अगर दुरुस्त हो तो फिर इसमें आप 1 मेगा की लगा सकते हैं या 2.2 मेगा की लगा दें, कि इस तरफ ग्राउंड की तरफ से एक और ये 1000 वोल्ट जहाँ से आ रहे हैं ये वाले, इनसे और इनसे एक दोनों लगाकर और यहाँ पर दोनों को मिक्स कर देना, और ये इसके G2 वोल्ट बन जाएंगे ये वाले, ये G2 वोल्ट बनेंगे, जब उस वक्त ये हमारी वीआर के मुतबादल वो दोनों रिस्टेंस काम करेंगी। मैं अब आपको लगाकर दिखाता हूँ वो कैसे लगानी है। देख सकते हैं मैंने ये दो रिस्टेंस इसमें लगाने लगा हूँ, ये इस वीआर के मुतबादल,
ये वाली, ये इनका कलर है जी लाल लाल सब्ज, ठीक है जी। ये अब मैं इसकी बेस उतारने लगा हूँ जी। ये अब वीआर देख सकते हैं, ये इसकी वीआर जो ख़राब है इसके, ठीक है जी, वो वर्क नहीं काम कर रही इस पर। ये स्क्रीन वोल्ट वाली वीआर है, ठीक है। ये अब मैं इसकी निकालने लगा हूँ। ये अब आप वैल्यू इसकी दे सकते हैं 225, ठीक है जी। ये अब रिजेंस का दोनों का एक सिरा मैंने मिला दिया है, ठीक है जी, एक तरफ दोनों को मिला दिए। ये वाली साइड जो मैंने मिला दी है वो इसके ऊपर साइड में करूँगा, और एक तरफ इधर होगी एक तरफ इधर होगी, ठीक है जी। ये जो दोनों का जो सिरा मिलाया है वो वहाँ पर होगा इस जगह पे। ये अब आप देख सकते हैं मैंने वीआर इसमें रिसेंस लगा दी है, दोनों वीआर निकाल दी है। ये मैंने दूसरी तरफ सोल्ड कर दी है। ये जो इसके दो वायर लगाई गई हैं ये हीटर पर लगाई गई हैं, वो इसलिए ये यहाँ से अक्सर ये लूज़ हो जाती हैं दोनों, ठीक है जी। लूज़ होने के बिना पर ये लाइट नहीं आती, इसकी आवाज़ आती रहती है लाइट नहीं आती, वो इसलिए ये दो वायर लगाई गई हैं इसके ऊपर डायरेक्ट। अब ये लाइट नहीं छोड़ता। अब मैं बेस लगा कर चेक करता हूँ कि हमारा ये फॉल्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारा टीवी फ्रंट से ठीक हो चुका है। अब इसके वोल्ट चेक कर लें। ये अब इसके वोल्ट आ रहे हैं जी 2.2 वोल्ट, ठीक है इस मान पर। ये दूसरा इसके जो आ रहे हैं वो 2 वोल्ट, ये तीसरे आ रहे हैं 2 वोल्ट, ठीक है जी। और ये अब इसके जो ऊपर गन्नों के ऊपर ये वोल्ट आ रहे हैं बेस के ऊपर, ये भी अब देख लें कितने आ रहे हैं, 136 वोल्ट, ठीक है जी। ये आगे इसके 147 वोल्ट, 43 मौसम, 135 वोल्ट, ठीक है जी। और ये अब आप इसके जो 1000 वोल्ट आने वो अब चेक कर लें। वालेकुम अस्सलाम। ये आप देख लें 817 वोल्ट है, और अब इस पर ये वोल्ट आ रहे हैं जी 487 वोल्ट। अब मैं आपको इसके फ्रंट से तस्वीर दिखाता हूँ, इसमें पिक्चर आ रही है। अब ये अब आप देख सकते हैं हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी, ठीक है जी। अब इसमें मुकम्मल तौर पर तस्वीर आ रही है, और इसमें अब रिमोट की जो लाइट वगैरह एडजस्टमेंट वो भी अब हो रही है, ठीक है। पहले इसमें सिर्फ लाइट नहीं आती थी, और ख़ाली सिर्फ डिस्प्ले आती थी, और कोई चीज़ नहीं आ रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।